सुबह आईपीएल 2020 का 40वां मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जाना है और गाइस ये मुकाबला दुबई के मैदान पे खेला जाना है। और गाइस आज के इस वीडियो में बात होने वाली है दोनों टीमों के कंफर्म प्लेइंग 11 के बारे में, हेड टू हेड के बारे में, पिच रिपोर्ट के बारे में और एट द एंड में बताने वाला हूँ कि आखिर वो कौन सी टीम रहने वाली है जो कि 100% ये मुकाबला जीतती हुई नजर आ सकती है। सो गाइस ओवर एंड ऑल बात करें तो इस मैच का पूरा हम लोग प्रीव्यू करने वाले हैं। सो गाइस सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं प्लेइंग 11 की। सो गाइस एक बार नजर डाल लेते हैं कि आखिर राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 कैसी रहने वाली है इस मुकाबले में। सो गाइस इनकी तरफ से ओपनिंग करते हुए नजर आने वाले हैं रॉबिन उथप्पा, बेन स्टोक्स, मिडिल ऑर्डर में आने वाले हैं संजू सैमसन, स्टीव स्मिथ, जॉस बटलर, रियान पराग, राहुल तिवटिया और जो फ्रास्ट है। बॉलर्स की बात कर लें तो श्रेयस गोपाल, अंकित राजपूत और कार्तिक त्यागी। सो गाइस ये खिलाड़ी रहने वाले हैं जो कि राजस्थान रॉयल्स के प्लेइंग 11 में उतरते हुए नजर आने वाले हैं। और गाइस बेशक पिछला मुकाबला ये जीत के आ रहे हैं चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ, तो यहाँ पे कोई भी चेंजेस गुंजाइश नहीं है। सो गाइस वही पे हम लोग बात कर लेते हैं हैदराबाद की। सो गाइस हैदराबाद की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो इनके प्लेइंग 11 पे नजर डाल लेते हैं तो इनके तरफ से ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं डेविड वार्नर, जेन बेरेस्टो, मिडिल ऑर्डर में आ सकते हैं पांडे, केन विलियमसन, प्रियम गर्ग, विजय शंकर और अब्दुल समद। बॉलर्स की बात करें राशिद खान, संदीप शर्मा, किंग नटराजन और बसिल थम्पी। सो गाइस ये खिलाड़ी रहने वाले हैं जो कि हमें सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग 11 में उतरते हुए नजर आ सकते हैं। सो गाइस पूरी टीम सेम टू सेम लग रही है लेकिन यहाँ पे एक चेंजेस हो सकते हैं बाय चांस, यहाँ पे डिफॉल्ट में एक चेंज हो सकता है हैदराबाद में और ये हो सकता है कि केन विलियमसन को बाहर बैठना पड़ सकता है और उनके जगह पे हो सकता है कि जेसन होल्डर इस मुकाबले में खेलते हुए नजर आ सकते हैं। सो गाइस ये थोड़ा सा माइनर चेंज है, इसके पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा कम है लेकिन होगा तो सिर्फ यही चेंजेस हमें होता हुआ नजर आने वाला है। सो गाइस ये तो बात हो गई दोनों टीमों के कंफर्म प्लेइंग 11 के बारे में। अब हम लोग फाइनली बात करने वाले हैं पिच रिपोर्ट के बारे में। सो गाइस ये जो मुकाबला खेला जाना है वो दुबई के मैदान पर खेला जाना है और दुबई के मैदान पर हम लोग काफी अच्छी तरीके से वाकिफ है कि जो टीम पहले टॉस जीतेगी वो बल्लेबाजी करने वाली है क्योंकि रन बोर्ड पर अगर चढ़ जाते हैं तो दूसरे सेकेंड इनिंग में जो टीम बैटिंग करती है उसे काफी ज्यादा दिक्कत होता है और इसीलिए शायद की बाउंड्री का जो भी बाउंड्री जितनी भी लेंथ है उसका फायदा उठाने के लिए पहले जो भी कप्तान टॉस जीतेगा सबसे पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लेने वाला है। सो गाइस फाइनली हम लोग बात करने वाले हैं हेड टू हेड की। सो गाइस दोनों टीमों ने मिला के अभी तक आमने सामने 13 दफा आई है तो जहां पे हम बात करें हैदराबाद की तो हैदराबाद ने 6 मुकाबले जीते हैं तो वही 7 मुकाबले राजस्थान रॉयल्स जीतने में कामयाब रही थी। और गाइस इनफैक्ट ये जो दोनों टीमें जब पिछली दफा भिड़ी थी आईपीएल 2020 में तो यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स बाजी मारती हुई नजर आई थी और गाइस वही पे हम लोग बात करते हैं विन प्रेडिक्शन की। सो गाइस इस मुकाबले के लिए मैं जिस टीम के साथ जाने वाला हूँ उस टीम का नाम है सनराइजर्स हैदराबाद। हाँ गाइस हैदराबाद के साथ जाने वाला हूँ, थोड़ा सा वियर्ड लग रहा हूँ। पिछला मुकाबला यहाँ पे हम लोग बात कर ले तो यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स जीती थी लेकिन गाइस इस मुकाबले में हैदराबाद के साथ जाने वाला हूँ क्योंकि हैदराबाद की टीम को भी अब जीत की आवश्यकता है क्योंकि तभी ये जो पॉइंट्स टेबल है जो आईपीएल 2020 का मजा है जो कि अपने एंड पोजिशन पे है वो काफी ज्यादा दुगना हो जाएगा और गाइस इसीलिए मैं इस मुकाबले में हैदराबाद को सपोर्ट करने वाला हूँ। सो गाइस फाइनली आप बताइए कि आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं इस मुकाबले में, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो खत्म करते हैं, आपको मिलेंगे अगले एनालिसिस के।